हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्यामल, आपका होस्ट एंड दोस्त। तो आज का मेरा प्लान है धर्मपुर में कुछ वाटरफॉल्स देखने जाने का और विल्सन हिल जाने का। तो मैंने कुछ दोस्तों के साथ ये प्लान बनाया है। तो अभी बज चुके हैं 8:30 और मैं निकलने वाला हूँ। मुझे दोस्त का कॉल आ गया है, वो मुझे पिक करने के लिए अभी आ रहा है। तो हम अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। नाश्ता वास्ता सब मैंने कर लिया है और बस अब 5-10 मिनट में निकलने ही वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं आगे वीडियो में। फाइनली फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गणेश धोड की लोकेशन पर। तो अब यहाँ से हम लोगों को आई थिंक 1 या 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके जाना है। तो हम लोग अभी चल कर जाएँगे यहाँ से, और आगे मेरे फ्रेंड्स चल रहे हैं और मैं पीछे चल रहा हूँ। तो अभी मैं मेरे फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आपसे। ये है गौरव, ये है निर्भय और ये है ध्रुव। तो गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊंगा और ये इस नज़ारे के बारे में आपको मैं क्या ही कहूँ। एक बार आप लोग देखोगे तो आपको भी यहाँ आने की इच्छा हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। आधा किलोमीटर जितना ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग करके हम लोग वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे। यहाँ का जो नज़ारा है ना, बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करें इस जगह को। और आगे वहाँ जो वाटरफॉल है ना, वहाँ पर जो बादल दिख रहे हैं यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, अब यहाँ से वाटरफॉल थोड़ा विजिबल होने लगा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से वाटरफॉल, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो पानी आ रहा है ना, ये वाटरफॉल से ही आ रहा है, लेकिन इसका बहाव इतना तेज़ है, अगर मैं यहाँ से ट्रैक करने जाऊँ ना तो मेरा पैर स्लिप हो जाएगा, इसलिए मैं साइड से ट्रैक करूँगा। सब यहाँ पर नहा रहे थे और बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। तब मैंने सोचा कि चलो ना भाई, पानी में सबसे ज़्यादा कौन रहता है वो देखते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये पानी में डुबकी लगाई और सबसे पहले गौरव बाहर गया और मैं लास्ट में निकला था। भाई आगे क्या नज़ारा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये बादल है, पहाड़ों में से जा रहे हैं, क्या दिख रहा है ये देखिए मेरे पीछे। ये बादल पहाड़ों में से जा रहे हैं, क्या खूब दिख रहा है। गाइस, इस लोकेशन पर हमारा बहुत सारा टाइम बीत गया। अब हम लोग दूसरी लोकेशन पर जाने वाले हैं,
तो ट्रैक करके हम लोग अभी फिर से बाइक के पास जाएंगे और वहाँ से दूसरी लोकेशन पर जाएंगे। देखते हैं बीच में कुछ खाने के लिए मिल जाए तो, भूख लगी है थोड़ी, तो आगे चल के देखते हैं। वाटरफॉल से निकलने के बाद हम लोग ड्राइव करके मेन रोड पर आ चुके थे, तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ स्ट्रीट फूड की शॉप्स दिखी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ना भाई कुछ चाइनीज़ खाते हैं, क्योंकि हम सबको थोड़ी भूख लग चुकी थी ज़्यादा वाली। तो हम लोगों ने चाइनीज़ फूड खाने के लिए ऑर्डर कर दिया, लेकिन मैं इस फूड का रिव्यू दूंगा तो एवरेज फूड था, उतना कुछ खास नहीं था। आफ्टर हैविंग दिस मील तो हम लोग हमारी नेक्स्ट लोकेशन मोटी कोरोल के लिए निकल चुके हैं। तो रास्ते में जहाँ पर भी बारिश होगी वहाँ पर मैं मेरा फ़ोन बैग में रख दूँगा, तो वो शॉर्ट्स कट हो जाएंगे। तो एक घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग बहुत ही ऊपर आ चुके हैं और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमने ऐसा एटमॉस्फेयर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और मुझे तो वो डायलॉग याद आ गया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इतनी बार मैं इस जगह पर आ चुका हूँ लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब यार एकदम फॉगी एटमॉस्फेयर है, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे लग रहा है कि मैं वादियों में आ चुका हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को ये लोकेशन दिखाता हूँ, देखिए आप लोग। आज यहाँ पर इतना फॉगी एटमॉस्फेयर है कि मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है और यहाँ पर खाई में भी कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। सो अभी इस लोकेशन को हम लोग थोड़ी देर एक्सप्लोर करेंगे और फिर जाएंगे आगे। आगे देखिए आप वीडियो में कहाँ जा रहे हैं वो। Now you can see that this is the heaven. यहाँ पे the heaven. खुली वादियों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। ये देखिए और ये भी देखिए, यहाँ पे कोहरा का पूरी खाई है। ये गर्मी में दोबारा भी वापस नहीं आ सकते। हम लोग अभी आ चुके हैं विल्सन हिल। यहाँ पर एक गार्डन सा बना हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गार्डन में ही हूँ अभी मैं, तो आप लोग जब भी आए इस गार्डन को विजिट कीजिए।